Dear students, greetings to all of you. This is the sixth video of this chapter. The chapter name is Supply. In this video, we are going to study movement along the supply curve. Movement along the supply curve is also known as change in quantity supplied. Movement along the supply curve, change in quantity supplied. When quantity supplied of a commodity, changes, जब किसी कमोडिटी की जो हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइसेस, ओन मीन्स उसके अपने प्राइस में चेंज होने के कारण. कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स को क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है. कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. जब क्वांटिटी सप्लाइड में किसके कारण चेंज होता है, ऑन प्राइसेस के कारण, उस कमोडिटी की अपने प्राइसेस में चेंज होने के कारण, उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है. जो क्वांटिटी हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स व्हेन प्राइसेस राइज, क्वांटिटी सप्लाई राइज, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, राइज हो जाती है. एंड व्हेन प्राइसेस फॉल, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, फॉल हो रही है. दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. अगेन लिसन, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू इन इट्स ओन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इन दिस गिवन फिगर वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होगा, अकर्स ड्यू टू किस कारण से चेंज होगा, चेंज इन प्राइस, उसके अपने प्राइसेस में चेंज होने के कारण, लीड्स टू, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगा. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अकर्स ड्यू टू, जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होगा, चेंज इन ऑन प्राइसेस, उसके अपने प्राइस में चेंज होने के कारण, लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, तो उससे मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में. इधर अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है. इधर अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर मूवमेंट अपवर्ड होगा, मीन्स व्हेन प्राइसेस राइज, प्राइस राइज हो रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी राइज हो रही है, देन इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई. इसको क्या कहा जाएगा, एक्सपेंशन, इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई. एक्सपेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, किसके कारण होगा, प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व डाउनवर्ड, मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकता है. व्हेन प्राइसेस फॉल, जब प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है, इट इज नोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट. एंड कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई मीन्स व्हेन प्राइसेस के कम होने पे क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है, इट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस, कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई किस कारण से होगा, प्राइसेस के डिक्रीज होने के कारण. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर, मूवमेंट इधर अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है. अपवर्ड मूवमेंट नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज. एंड डाउनवर्ड मूवमेंट नोन एज कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, व्हेन प्राइसेस फॉल क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो फॉल. यस, मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, मूवमेंट टू टाइप्स का होता है, ईदर अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट. अपवर्ड मूवमेंट व्हेन प्राइसेस राइज, क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो राइज, known as expansion in supply. And downward movement when prices fall, quantity supply also fall, known as contraction in supply. Now we will study upward movement and downward movement in detail. Expansion in supply refers to rise in quantity supplied. एक्सपेंशन इन सप्लाई किसको रेफर करता है, राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड.
क्वांटिटी सप्लाइड का राइज हो जाना ड्यू टू किस कारण से, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर। जब कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने के कारण क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर्स को हमने क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है। ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस, ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस व्हेन देयर इज अ राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड, केवल प्राइजेस के इंक्रीज होने पर देयर इज राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हैं, देन इट इज नोन एज द एक्सपेंशन इन सप्लाई। अगेन लिसन, एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। दिस इज शेड्यूल, एक्सपेंशन इन सप्लाई शेड्यूल। वेन द प्राइस वॉज रुपी 20, देन क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट। वेन प्राइस राइज फ्रॉम रुपी 20 टू रुपी 25, देन क्वांटिटी सप्लाइड राइज 100 यूनिट्स टू 150 यूनिट्स। दिस इज द एक्सपेंशन इन सप्लाई का। वेन द प्राइस वॉज 20, जब प्राइस कितने थे 20 थे, देन क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी 100 यूनिट्स थी। विद एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम रुपी 20 टू रुपी 25, जब प्राइस रुपी 20 से रुपीज 25 हो गए, रिजल्टिंग उसका क्या रिजल्ट हुआ, पहले हम ए पॉइंट पर थे, जब प्राइस 20 से 25 हुए हम बी पॉइंट पर आ गए। 20 प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, 25 पे कितनी है 150 है, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। हम उसी सप्लाई कर्व पे है, सप्लाई कर्व सेम है, उसी सप्लाई कर्व पे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण, जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है दिस इज नोन एज द एक्सपेंशन इन सप्लाई। अदर फैक्टर्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इट लीड्स टू, तो ये क्या शो करता है, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट को ए टू बी अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, उसी सप्लाई कर्व के ऊपर, इट इज नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई, इसको एक्सटेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहा जाता है। इट इज नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाइड, एक्सटेंशन इन सप्लाइड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम, इन द गिवन शेड्यूल एंड इन दिस डायग्राम क्वांटिटी सप्लाइड राइज, क्वांटिटी सप्लाइड राइज हुई है, बड़ी है, फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 150 यूनिट्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम रुपी 20 टू रुपी 25 रिजल्टिंग, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है, इन एन अपवर्ड मोमेंट, अपवर्ड मोमेंट है फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड का गिर जाना ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइसेस कम होने के कारण। व्हेन देयर इज फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स को हमने क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है। कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट व्हेन देयर इज द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। व्हेन देयर इज फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज, कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज होने के कारण, देन इट इज नोन एज द कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई। अगेन लिसन, कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। इन दिस गिवन शेड्यूल व्हेन प्राइस वॉज रुपी 20 देन क्वांटिटी सप्लाइड वॉज 100 यूनिट्स, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम रुपी 20 टू रुपी 15 क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स 100 यूनिट्स टू 70 यूनिट्स, मीन्स जब प्राइस कितने थे 20 थे, क्वांटिटी सप्लाइड कितने थी 100 थी,
जब प्राइसेस कम होकर 15 हो गए उस कमोडिटी के, तो प्रोड्यूसर्स ने, सेलर्स ने क्वांटिटी सप्लाई को 100 से कम करके कितना कर दिया, 70 कर दिया। इट मीन्स देर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस में चेंज होने के कारण कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, अदर फैक्टर्स क्वांटिटी सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर रहा। ओनली देर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, देन इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एट 20 प्राइसेस, जब प्राइस कितने हैं, रुपी 20 है, देन क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 100 यूनिट्स की है। हम कौन से पॉइंट पर हैं, ए पॉइंट पे। व्हेन प्राइसेस, व्हेन विद अ डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम रुपी 20 टू रुपी 15, जब प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए रुपीज 20 से रुपीज 15, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स, क्वांटिटी सप्लाइड कम होकर कितनी हो गई है, 100 यूनिट्स टू 70 यूनिट्स। हम मूव कर रहे हैं ए से बी पॉइंट की ओर अलोंग द सेम सप्लाई कर्व पर, सेम ही सप्लाई कर्व पर, इट इज नोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको क्या कहा जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट कहा जाएगा, फ्रॉम ए टू बी मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, हम सेम सप्लाई कर्व पर है। सो इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन वी यूज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, कि सप्लाई कर्व पे मूव करते हैं, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, उसी सप्लाई कर्व पे मूव कर रहे हैं। जब एक्सपेंशन था तो अपवर्ड मूवमेंट था, अब कॉन्ट्रेक्शन है तो कौन सा मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि प्राइजेस के कम होने पे सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रही है। इट इज नोन एज द कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई, डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व इज SS, हम सेम सप्लाई कर्व पर ही मूव कर रहे हैं। इट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई, ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट। ये किसको शो करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट को अलोंग द सेम सप्लाई कर्व।